छः सात साल पहले रमज़ान के दिन थे, मैं सोई की बेहोश हुई थी। मेरे उस दिन 38 शुगर थे, उसने चेक की ना, फिर उस वक्त में पता चला कि ये मसला हो गया। कम शुगर डायग्नोज हुई जिसका हमें उस तरह पता नहीं चला था कि इनको ये क्या हुआ। फर्दर पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज के ये कोई प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, जिसकी वजह से एक आम इंसान की शुगर इतनी लो नहीं होती जितनी जितनी इनकी ज़्यादा होती। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो लकीली एक अल्ट्रासाउंड में कुछ इंडिकेशन इनकी पैंक्रियास पे आई, जिससे एक हिंट मिला कि शायद इनको इंसुलिनोमा प्रॉब्लम है। उनसे डिस्कशन के बाद पता लगा कि उनको ये तकलीफ़ पिछले 4-5 साल से थी और उनको काफ़ी एपिसोड्स हो रहे थे ब्लड ग्लूकोज लो होने के। उनका फिर हमने बायोप्सी करके प्रूफ किया कि उनको इंसुलिनोमा है। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इसकी ट्रीटमेंट इस तरह की एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। लकीली हमें डॉक्टर शहजाद की वजह से ये पता चला कि ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। इनका सीटी स्कैन हुआ था, उसके अंदर ये इंसुलिनोमा का दाना नज़र आ रहा था पैनक्रियाज के अंदर, जिसकी साइज़ 1.9 मिलीमीटर था। इसको फिर हमने EUS के साथ आइडेंटिफाई किया। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इसकी बायोप्सी की और उसमें प्रूफ किया कि ये इंसुलिनोमा है, जिसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हमने इनका RFA किया। RFA के फौरन बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो गई थी और उसके बाद से अब तक इनके ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अल्लाह ताला इनको जजा दे। डॉक्टर शहजाद को आपने ठीक है शुगर, तो अभी चेक किए 134 थी मेरी शुगर।